गैस महंगा हो जाए, सिलेंडर महंगा हो, पर किसी पे 2000 रुपए पहुँच जाए, पर हम भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं अगर एक भी पैसे का भ्रष्टाचार करूंगा तो अपने बच्चे का खून पीऊंगा। कोई कहेगा दिखा दे, मैं खुलेआम चुनौती दे रहा हूँ। अब की बार 60 पार। कपूर साहब का एक कॉलेज है, कॉलेज था या है हमें नहीं पता, उन्होंने हमारी स्कॉलरशिप खाई और आज SIT के चक्कर हम काट रहे हैं, वो अपने घर में बैठे हैं। क्या इसका जवाब देंगे वो लोग? नाराज क्यों रहते हैं उनसे? नहीं, नाराजगी कहीं नहीं है। गोविंदगढ़ में साल दर साल पानी की समस्या, विजय पार्क में साल दर साल पीने के पानी की कमी, कोरोना की महामारी से समझा कि कितना जरूरी है स्वास्थ्य सेवाओं का आपके नजदीक होना। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, 8 बार के विधायक होने के बावजूद भी एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल इस विधानसभा में आपको नहीं मिलेगा। कहाँ है वो 8 बार के विधायक? जो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर मिले, हमारे पहाड़ के लोग उसे सरेंडर कर रहे हैं। हमारे पास 1000 रुपए भरवाने के लिए नहीं है। जनता की समस्याओं का निराकरण तो दूर की बात है, उनसे बात ही नहीं हो रही है। समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो कांग्रेसियों की तरफ उंगली दिखा रहे हो। 60 रुपए किलो का टमाटर खरीद के या 50 रुपए किलो का मटर खरीद के मैं क्या कमा लूंगी और क्या मैं बचा लूंगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का, और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौट। आज हम पहुंचे हैं कैंट विधानसभा सीट पर। यह सीट इसलिए भी हॉट है क्योंकि जब से ये सीट बनी तब से लगातार बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है। लेकिन क्या इस क्षेत्र में वो विकास कार्य हुए जो होने चाहिए थे, या फिर अभी भी जो जनता है वो विकास कार्यों के लिए परेशान है? इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं रविंद्र आनंद जी, इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से वैभव वालिया जी मौजूद हैं इस डिबेट में शामिल होने के लिए, और साथ ही भाजपा से हैं हमारे साथ सुमित पांडे जी, और UKT से हमारे साथ शामिल हैं मीनाक्षी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही आम जनता भी हमारे साथ यहाँ आज शामिल है, और जानने की कोशिश उनसे करेंगे कि कितने विकास कार्य उनके क्षेत्र में हुए, किन समस्याओं से उनको जूझना पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे सत्ताधारी पार्टी से कि उन्होंने कितना विकास कार्य इस सीट पर किया। सर, आपकी सरकार रही है केंद्र में भी, राज्य में भी, और इस खास तौर से सीट पर तो लगातार आपका कब्जा है, कितना विकास कार्य आप देखते हैं इस सीट पर? निश्चिंत ही भारतीय जनता पार्टी साल में 365 दिन जनता के बीच जनता के विकास कार्यों के लिए रहती है, और जितना विकास इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय हरबंस कपूर जी के माध्यम से हुए, मैं कहूं तो पिछले कई वर्षों में, जिस मेरे को भी काफ़ी टाइम हुआ, जितना इन 5 लगभग 4.5 सालों के मध्य इस क्षेत्र का हम विकास कर पाए वो एक स्वर्णिम विकास है। चाहे आप सड़कों की बात करें, चाहे आप सामुदायिक भवन की बात करें, चाहे आप बिजली की बात कर कहें, आप पानी की बात, किसी भी क्षेत्र में अगर हम चले जाएं, तो मेरा मानना है कि 4.5 साल के अंदर इस क्षेत्र के अंदर जो विकास जनता ने माननीय विधायक जी को जिताते समय अपेक्षित किया था कि इतना विकास वो करें, वो कहीं ना कहीं उस अपेक्षा से भी आगे बढ़ के उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम। 4.5 साल क्यों? आपकी तो सर सरकार ना भी रही हो, विधायक तो वही रहे जब से कैंट विधानसभा सीट बनी। मैं बनस्पत और टर्म के अलावा इस टर्म की बात करना चाह रहा हूँ कि इस टर्म में, आगे टर्म में निरंतर विकास रहा है और निरंतर विकास रहा भी है। जो ये वाला टर्म रहा है 4.5-5 साल का जो टाइम रहा, इसमें जो विकास की गति है वो इतनी, मतलब जिसे यूं ही नहीं कहा गया कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार साबित भी हुई है, और वो विकास कार्य जनता तक कराने का पूरा प्रयास किया गया है। लोग नाराज क्यों रहते हैं उनसे? नहीं, नाराजगी कहीं नहीं है, बिल्कुल भी आप, मुझे नहीं लगता कि कहीं नाराजगी है। मैं तो ये आपसे कहूंगा, आप ठीक है आज एक हम डिबेट का हिस्सा बने हैं, लेकिन जनता की राय अगर आप घर घर जाके लेंगे तो आपको सिर्फ एक ही नाम भारतीय जनता पार्टी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का ही एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता, अभी आपके समक्ष इतना बड़ा एक हमारे देश में कोरोना का काल रहा, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें अपनी जान को जोखिम में डाल के भी जनता के बीच में गए और जनता का पूर्ण रूप से सहयोग किया, पूर्ण रूप से सहयोग किया। सर, आपको, आप लोग भी फील्ड में उतरते हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, जैसे कि प्रवक्ता साहब बता रहे हैं कि ऐसा विकास किया कि और किसी क्षेत्र में नहीं हुआ है जो हरबंस कपूर जी ने किया, लगता है इनकी बातों पे कुछ सच्चाई है? देखिए, मैं तो ये सोच रहा था कि हरबंस कपूर जी शायद आज इस डिबेट कार्यक्रम में आए होंगे तो मुझे उनसे कुछ सवाल करने का मौका मिलेगा, लेकिन हरबंस कपूर जी नदारद हैं। जैसे कि जब जन समस्याएं होती हैं तो वो नदारद रहते हैं, ऐसे ही वो आज आपके डिबेट कार्यक्रम से भी नदारद हैं। 8 बार से विधायक हैं आदरणीय हरबंस कपूर जी,
अगर कोई व्यक्ति 8 बार एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व एक ही व्यक्ति कर रहा हो तो आप उसे आदर्श विधानसभा कहेंगे? आप ये कहेंगे यार यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए? वो आदमी जब 8 बार से एक ही व्यक्ति को ये लोग जिता रहे हैं तो, और वो आदमी मंत्री भी रहा हो, वो आदमी विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा हो, तो वहां तो मतलब आपको देखने से भी ढूंढने से भी आपको कोई भी समस्या नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कैंट विधानसभा के अंदर घूमेंगे तो आपको मिलेगा गोविंदगढ़ में साल दर साल पानी की समस्या, विजय पार्क में साल दर साल पीने के पानी की कमी, बल्लूपुर में पीने के पानी की कमी, गांधीग्राम में पीने के पानी की कमी। हर बारिश के मौसम के बाद जल भराव की स्थिति जो है बिंदाल नदी के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में, हर साल दर साल वो लोग जब भी हर बारिशों में वो लोग बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर, उनके बच्चों को डायरिया की बीमारी, डेंगू की बीमारी। आपने कोरोना की महामारी की बात करी, हमने कोरोना की महामारी से समझा कि कितना जरूरी है स्वास्थ्य सेवाओं का आपके नजदीक होना। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है 8 बार के विधायक होने के बावजूद भी एक भी बड़ा सरकारी अस्पताल इस विधानसभा में आपको नहीं मिलेगा, एक भी बड़ा सरकारी विश्वविद्यालय आपको इस विधानसभा में नहीं मिलेगा। भैया किस लिए हैं वो 8 बार के विधायक? कहाँ हैं वो 8 बार के विधायक? चलिए सर इसका जवाब तो लेना बनता है कि 8 बार के विधायक हैं, आप बताइए कि मूलभूत सुविधाओं की चीजें कहाँ हैं? कोई किसी भी प्रकार की मूलभूत जितनी भी जरूरत, चाहे बिजली की समस्या हो आपको, आप ठीक है उनका तो आरोप लगाना ही काम है। पानी तो वो कह रहे हैं पानी नहीं, आप इनके कहने से नहीं ना, आप जनता के बीच में जाइए, एक एक क्षेत्र में जाइए, आपको पता लग जाएगा। आपने गोविंदगढ़ की अभी जिक्र किया जल भराव, मैं कहता हूँ कि इस बार एक ऐतिहासिक कार्य माननीय विधायक जी द्वारा किया गया, वहां पे जो जल भराव की समस्या थी उसका पूर्ण रूप से निजात हो चुका है कि अपना कौलागढ़ के अंदर GGIC लगभग 4 करोड़ की लागत से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिसका लाभ वहां अपने कौलागढ़ के अलावा बाकी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। प्रेम नगर के अंदर कोविड की महामारी को देखते हुए उसमें कोविड का पूरा का पूरा प्रोग्राम उस अस्पताल के अंदर सेट कर दिया गया है, जो भी जिस प्रकार की कमी थी पूर्ण रूप से प्रेम नगर अस्पताल। कुछ बोलना ये कह रहे हैं जी कि हमने पानी की समस्या का भी समाधान कर दिया, हमने कॉलेज भी बना दिए, ये सारी बातें पता कैसी हैं? जैसे इन्होंने लोगों को 15 लाख दे दिए, जैसे इन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी दे दी, जैसे इन्होंने गंगा साफ कर दी, उसी तरह इन्होंने गोविंदगढ़ में पानी की समस्या का समाधान कर दिया, उसी तरह इन्होंने जो है पता नहीं बच्चों के लिए पता नहीं कितने काम कर दिए। लेकिन वो सारे काम गिनाने के लिए विधायक जी आज यहाँ आ नहीं सके, बिजी बहुत थे। अभी लेंगे सर, लेंगे। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ रविंद्र आनंद जी। सर आपको भी हमने देखा, आप फील्ड में उतरते हुए नजर आए, लोगों के बीच जाते हुए आपने क्या समस्याएं देखी? देखिए कैंट विधानसभा में जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है वो है जो मलिन बस्तियां हैं उनके निमितीकरण की, साथ ही हर साल बरसात में उन बस्तियों में पानी भर जाता है और पानी भरने पर वो लोग घरों से बाहर रहते हैं पूरी पूरी रात और अगले दिन माननीय विधायक जी दौरा करने पहुंच जाते हैं। हर बार वो दौरा करते हैं, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूं कि वो दौरा करने आते हैं और वो ये कहते हैं कि अगले साल से पहले, अगली बरसात से पहले ये सब काम हो जाएंगे, पुश्ते बन जाएंगे, नाले ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर अगला साल आ जाता है, फिर पानी आता है, फिर वो बस्तियों में जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी मैं बड़े ध्यान से सुमित जी की बात सुन रहा था। सुमित जी ने कहा पार्कों का निर्माण होता है, सामुदायिक भवन का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसके नाम क्या रखे जाते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसका नाम क्या रखा जाता है? पंडित दीन दयाल उपाध्याय। तो देखिए खाली पार्टी विशेष को बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, जनता के लिए काम करना होगा, आम आदमी के लिए काम करना होगा। ये समझना पड़ेगा कि आम आदमी की जो रसोई है, आम आदमी का जो घर है, उसको चलाने में जो आपने अभी आपने उज्ज्वला योजना लॉन्च करी, भाई साहब पूरे उत्तराखंड से आप सर्वे करा लीजिए, जो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर मिले हमारे पहाड़ के लोग उसे सरेंडर कर रहे हैं, मतलब लोग वापस कर रहे हैं, कह रहे ले जाओ अपना सिलेंडर, हमारे पास 1000 रुपए भरवाने के लिए नहीं है, ये है इनका कार्यकाल। वो तो कह रहे हैं आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि पानी कहीं नहीं भर रहा। भाई साहब हर साल बस्तियों में पानी भरता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अखबारें तो झूठ नहीं बोल रही, मीडिया तो झूठ नहीं बोल रही, यहाँ बस्ती से भी कुछ लोग आए होंगे, आप उनकी भी राय ले लेना, पहली बात। दूसरी बात, क्या इतने वर्षों में, जैसा कि मेरे भाई ने कहा, क्या एक बड़ा यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं होनी चाहिए थी? जब हमने इस बात को उठाया तो माननीय विधायक जी मंत्री जी के पास एक चिट्ठी लेके पहुंच गए कि यहाँ होनी चाहिए। अरे भाई 40 साल में याद आया कि होना चाहिए? भाई अब तक तो पता नहीं कितनी बन जाती। और दूसरी बात, आपने कहा कि
क्या काम हुए हैं मैं गिनवाता हूँ। बहुत अच्छा काम किया है माननीय विधायक जी ने, छात्रवृत्ति घोटाला, जिसमें वो छात्रों का, गरीब जो हमारे एससी एसटी के जो छात्र हैं उनका पैसा खा गए और हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है और दो बार पैसे जमा करा चुके हैं। ये सारी जनता सुन ले और सारी जनता जान ले कि विधायक जी ने पैसा जमा कराया है तब जाकर के उनके लड़के की गिरफ्तारी रुकी हुई है और आज वही लड़का टिकट मांग रहा है। ये बड़ी विडंबना है, देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है राजनीति की कि एक व्यक्ति जो एक्यूज्ड है, एक व्यक्ति जो पैसे जमा करा रहा है कह रहा है कि हाँ हमसे गलती हुई, मैं पैसा वापिस करना चाहता हूँ, पैसा वापिस देना चाहता हूँ, वो व्यक्ति आज अपने होर्डिंग लगाता है। इसका जवाब जनता देगी, इसका जवाब बीजेपी को जनता देगी, इसका जवाब बीजेपी से मांगेंगे। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल से भी हमारे साथ मौजूद है मैम, आपका, आप भी यहाँ क्षेत्रीय दल है, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या समस्याएं देखते हैं? क्योंकि आपने सुना बीजेपी तो कह रही कोई समस्या है नहीं, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे बात घेरने की नहीं है, बात यहाँ पे है कि हरबंस कपूर जी को क्या बोले, वो तो पितामह है, वो तो 8 साल से यहाँ पे जीतते आ रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जो युवा नेतृत्व और युवा सोच की बात कर रही है लेकिन युवाओं को उस सीट पे जगह ही नहीं दे रही है। आप बात कर रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी के काम ही यही है कि बड़ी बड़ी बातें करना, और हम सब लोग ये 20 वर्षों से देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बातें होती है लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए तो काम शून्य होता है। और अगर बीजेपी को अभी भी समस्याएं नहीं दिख रही हैं, हरबंस कपूर जी को अभी भी समस्याएं नहीं दिख रही हैं, तो इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि ये लोग धरातल पे है ही नहीं। यदि ये लोग धरातल पे होते तो इन्हें समझ में आता कि सड़कों के क्या हाल है, हर बरसात में जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो किस तरह से सामना करना, उन लोगों के लिए तो हेलीकॉप्टर सुविधा है ना, हमें तो, हम लोगों को सड़कों पे जाना पड़ता है, बस्तियों में जाना पड़ता है। आप देखिए जब बरसात होती है, जब पानी लोगों के घरों के अंदर घुसता है, उस समय भी सिर्फ यही बातें होती है। इतनी बड़ी बात आप सोचिए कि इस बरसात को निकल जाने दीजिए, अगली बरसात तक ये काम हो जाएगा। तो ये जो इनके जुमले हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सिर्फ बातें ही हैं। और हम सभी लोग देख रहे हैं कि 8 साल के विधायक, उन्हें तो चप्पे चप्पे का पता होना चाहिए, चप्पे चप्पे की समस्याओं का पता होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जनसंपर्क बिल्कुल नहीं है, जनता की समस्याओं का निराकरण तो दूर की बात है, उनसे बात ही नहीं हो रही है। अब जनता से ही पूछ लेते हैं कि कितनी समस्याओं को झेल रहे हैं। सर आपसे मेरा सवाल है कि तीन सभी दल यहाँ मौजूद हैं, किसी दल से आपका सवाल, क्योंकि आप भी मैदान पे रहते हैं, आप लोग भी जन समस्याएं सुनते हैं, जन समस्याएं देखते हैं, और आपकी भी कोई समस्या होगी। मेरा सवाल वैभव वालिया जी से ये है, जैसा आपने कहा कि अभी बस्तियों में बहुत टाइम से जल भराव की समस्या, आप ही के नेता वहाँ पे बस्तियों में जाके जो उसका चौड़ीकरण है उसको कम करवाते हैं, और आज आप यहाँ के खुद आके बात कर रहे हैं कि हमने बस्तियों में इसका चौड़ीकरण नहीं हो पाया, आप ही के नेता वहाँ पे जाके काम रुकवा रहे हैं। दसमाना जी खुद जाके वहाँ पे, आप जाके पूछे वहाँ पे एक स्कूल पढ़ता है, चैरिटेबल स्कूल है क्रिश्चियन का, और उन्हीं के वहाँ पे वो जो नाला है वो बिल्कुल नेक बन चुका है, वहाँ पे उन्होंने वो खुद जाके काम रुकवाया है। तो आप खुद जब इस तरह की बात करते हैं, चलिए सर सवाल का जवाब ले लेते हैं। सर ये जवाब चाह रहे हैं कि उपाध्यक्ष साहब हैं आपकी पार्टी के, प्रत्याशी भी हैं, कई बार पिछली बार चुनाव भी लड़े हैं, वो कहीं ना कहीं रास्ता छोटा कराते हैं, जल भराव की स्थिति बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, सारा काम कांग्रेसियों ने ही कर दिया है, जो ये 100 रुपए लीटर पेट्रोल है ये भी कांग्रेसियों ने कर दिया है, जो 90 रुपए लीटर डीजल है वो भी कांग्रेसियों ने कर दिया है, जो गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का है वो भी कांग्रेसियों ने ही कर दिया है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हैं, तुमने जो है समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो कांग्रेसियों की तरफ उंगली दिखा रहे हो। 8 बार विधायक आप बनो और जो नहीं कर पा रहे हो उनका सर सवाल ये है कि दसमाना जी इस काम को रुकवा रहे हैं। मेरा एक निवेदन है कि बोलो मेरा एक निवेदन है कि अभी यूकेडी की प्रवक्ता जी द्वारा बताया गया कि सड़कों के हाल के बारे में, मेरा सिर्फ एकमात्र निवेदन है, आप अगर कैंट विधानसभा में आप अगर कैंट विधानसभा में एक छोर से अंतिम छोर तक जाएं तो लगभग 90-95% सड़कें हमारी बन चुकी हैं, और जो 5% शेष रह भी गई हैं वो भी मात्र 2 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएंगी। ऐसी सड़क मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आप एक मिनट, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आप हमारे पूरे देहरादून में घूम लीजिए, जैसी सड़कों की हालत अच्छी हमारे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी आपको कहीं नहीं मिलने। चलिए कुछ महिलाएं, महिलाओं से पूछते हैं,
मैडम आप भी इस क्षेत्र में रहती हैं, आपकी किसी राजनीतिक दल से कोई सवाल? हमें कोई सवाल नहीं पूछना, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। अच्छा पार्टी में रहेंगे? हाँ। गैस महंगा हो जाए, सिलेंडर महंगा हो, पर किसी पे 2000 रुपए पहुँच जाए, पर हम भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं, आपका कोई राजनीतिक दल से सवाल नहीं? कोई भी? भाजपा? आप सभी भाजपा? सबका भाजपा। चलिए ठीक है सर, आपका कोई सवाल? मेरा सवाल है, सबसे पहले तो चारों प्रतिनिधियों से मेरा एक सवाल है। 55 महीने जनता नेता की शरण में होती है, और ये सिर्फ 5 महीना नेता जनता की शरण में क्यों आता है? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, अगर आज सब लोग बीजेपी के, मैं कोई वो नहीं हूँ, आज सब लोग बीजेपी के बारे में नारे गा रहे हैं, बीजेपी, मैं बोल रहा हूँ कि एक विकास पुरुष बोल रहे हैं जिनको 8 बार हिंदुस्तान में शायद कोई ऐसा इलाका होगी 8 बार कोई प्रतिनिधित्व कर रहा किसी विधानसभा का, तो आज इस विधानसभा का एक पटल पे, हिंदुस्तान के किसी पटल में नाम होना चाहिए था कि एक हिंदुस्तान, एक कैंट विधानसभा ऐसी है जिसका कि भैया 8 साल से लगातार प्रतिनिधित्व हो रहा। क्या सही है? क्यों ताली बजाने से मात्र? मैं आज एक चुनौती दे रहा हूँ, चारों लोगों को चुनौती दे रहा हूँ, अगर किसी ने कोई, अगर किसी पे हिम्मत है, कोई जनप्रतिनिधि आज अगर ऐसा कह दे कि मैं विधायक बनने के बाद अपने बच्चे को, जब विधानसभा में शपथ लेता है अपने बच्चे को वहां पे लाके उसके सर पे हाथ रख के, और ये कसम खा दूं कि मैं अगर एक भी पैसे का भ्रष्टाचार करूंगा तो अपने बच्चे का खून पीऊंगा, कोई कहेगा दिखा दे, मैं खुलेआम चुनौती दे रहा हूँ। नाराजगी है सर, नाराजगी है, आपसे बड़ी नाराजगी है इसमें। उन्होंने कहा कि 8 बार से विधायक हैं, कोई बेहतर काम किया होता तो इस क्षेत्र का नाम होता, लेकिन नाम कहीं नहीं है। नहीं नहीं, निश्चिंत ही ऐसा नहीं है, जब भी किसी भी क्षेत्र, ऐसा नहीं है कि कपूर साहब इसी क्षेत्र से 8 बार का प्रतिनिधित्व किया, समझ। लेकिन जब से विधानसभा बनी तब से तो वही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी ये जो एरिया जिसमें हम बैठे हैं ये लगभग 3 टर्म पहले ही हमारी कपूर साहब की विधानसभा 15 साल से है। 15 साल से, 15 साल बहुत बड़ा समय होता है। बिल्कुल, 15 साल इतना बड़ा समय होता है कि इस 15 साल के अंदर मैं बताते हुए गर्व का महसूस कर रहा हूँ कि इतनी, इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारे इस 15 साल के इस कार्यकाल के अंदर विधायक जी द्वारा बिजली, पानी, सड़क, किसी भी मूलभूत सुविधाओं को जो एक जनता चाहती है पूर्ण रूप से पूर्ण कर रहा है। सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे? देखिए ऐसा है कि जो भाई साहब ने सवाल किया, मैं आपका बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया और आपने हिम्मत की सच बोलने की। देखिए ऐसा है, जो आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम काम की राजनीति करते हैं, और राजनीतिक पार्टियों का काम है जनता के लिए काम करना, जनता के लिए सरकारी स्कूल ऐसे बनाना कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर करना। आज उत्तराखंड में जो 2200 सरकारी स्कूल है उनमें ताले लगे हुए हैं, आप पहाड़ में जाके देखिए, आप जानते होंगे 2200 स्कूल में 2500 स्कूलों में ताले लगे हुए हैं, ये स्थिति है। ये शहर का सबसे पॉश एरिया है, और यहाँ पर अगर आप बल्लूपुर चले जाओगे तो बल्लूपुर के वासी आए दिन पीने के पानी के लिए आंदोलन करते हैं, ये स्थिति आज कैंट विधानसभा की। तो देखिए काम करने की राजनीति कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे, अगर आप काम करेंगे हम स्वागत करेंगे, हम ताली बजाएंगे आपके लिए, माला बनाएंगे, लेकिन आप जो है धर्म की राजनीति से बाहर नहीं निकल सकते। और आप, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। उनका सवाल ये था कि आप अपने बच्चे की कसम खा के, कसम खाएंगे कि आप घूस नहीं लेंगे, विकास कार्य करेंगे अगर विधायक बनेंगे। मैं प्यार हूँ, देखिए अगर मुझे कैंट विधानसभा की जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं कैंट विधानसभा की जनता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहूंगा, और मैं ये शपथ लेता हूँ, ये कसम खाता हूँ कि किसी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार करूंगा ही नहीं, होने भी नहीं दूंगा। चलिए सर, आपके लिए भी उनका यही सवाल। देखिए हम यंग लोग हैं, हम पॉलिटिक्स में आए हैं इन सारे मुद्दों से परेशान होके, हम खुद भ्रष्टाचार से पूरी तरह से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री, अपने ओएसडी के माध्यम से आपने जो है करोड़ों रुपए का शेल कंपनियां बना के भ्रष्टाचार किया। टीवी का सर्वे कहता है कि भैया भाजपा का पूरे देश का अगर सबसे खराब मुख्यमंत्री कहीं का था तो वो उत्तराखंड का था। चलो भाजपा ने माना कि उनका मुख्यमंत्री खराब है, उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, लेकिन बदल के लाए किसे? आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटा के तीरथ सिंह रावत को लाते हो, तीरथ सिंह रावत जी को महंगाई नहीं दिखाई देती है, बेरोजगारी नहीं दिखाई देती है, सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के घुटने देखे। तो उन्होंने क्या करा, कोरोना की महामारी के दौरान कुंभ के अंदर उन्होंने टेस्टिंग का महा घोटाला किया। हम लोग ये घोटालों से परेशान होके ही पॉलिटिक्स में आए हैं। मैं किसी की भी कसम खाने को तैयार हूं कि अगर हम इलेक्ट होते हैं हम भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी चोट करेंगे, हम भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ वाले लोग हैं। चलिए यूकेडी में मैम आप लोग खाएंगे कसम?
देखिए भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो जो सबसे बड़ी बात जो करती है सरकार, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार, आज 100 दिन का लोकायुक्त का वायदा करने के बाद भी लोकायुक्त नहीं ला सकी। और जो बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस के भी 11 विधायक उसमें है विधानसभा में, लेकिन वो भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल नहीं उठा पा रहे। जिन कांग्रेसियों पे भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगाती है उनको बाद में अपनी पार्टी में ले लेती है और वो दूध के धुले हो जाते हैं। तो भ्रष्टाचार की अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो इनके नेता, आप एक एग्जांपल की बात बताती हूँ, जो आजकल जगह जगह पे पोस्टर लग रहे हैं कि अब की बार 60 पार, आप अगर उस दीवार का अवलोकन करेंगे तो आपको सिर्फ वो फोटो चमकती नजर आएगी, हरबंस कपूर जी की फोटो चमकती नजर आएगी। और वही हाल आज इस प्रदेश में हो चुका है, हरबंस कपूर जी बहुत चमक रहे हैं लेकिन वो जो आसपास की दीवार है वो उत्तराखंड को दर्शा रही है, जिसके क्या हाल हो चुके हैं वो सब देख रहे हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, ये उकरांद ने ना कभी भ्रष्टाचार किया है और हमेशा वो भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ता है, आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ता रहेगा और कसम खाने को भी तैयार है कि भ्रष्टाचार कभी नहीं करेगा, कभी नहीं होने देंगे। और लोगों से बात करते हैं, सर आपका किसी राजनीति दल से कोई सवाल, सभी राजनीति दल आपके सामने पहुंचे हैं। मेरा तो यही सवाल है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, सबसे पहले सर्वोपरि जनता हित है। जिस प्रकार से अभी उत्तराखंड में इतनी समस्याएं लगातार 20 वर्षों से चली आ रही हैं, सबसे बड़ी जो युवा बेरोजगार की है और भी कई समस्याएं हैं, उसका समाधान क्यों नहीं होता? क्यों सभी अपने ही कुर्सी और अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट के चक्कर में घूमते रहते हैं? युवा बेरोजगार हैं, उनकी समस्या आप लोग क्यों नहीं सुनते? और भी लोग हैं सर, आपका कोई सवाल? सर मेरा यह सवाल है, बीजेपी से भी है और कांग्रेस से भी है, वो तो अभी आई नहीं आएगी तो उनसे पूछेंगे। लेकिन सवाल यह है कि 21 साल हमारे उत्तराखंड राज्यों का अलग बने हुए हो गए सर, उत्तराखंड राज्य 21 साल पहले जैसा था आज भी वैसा का वैसा ही है। और उसका सबूत यह है, मैं आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ, ये है इसका सबूत। ये हर गली की समस्या है, गटर का, बरसात का, नालों का और नदी का, ये घर में घुसता है। पिछले साल मेरे छोटे बच्चे हैं, टोटल ए टू जेड सारे कपड़े खराब हो चुके हैं, जितने मैंने पूरे साल में उनको लेके दिया है। अब इसके जो खर्चा हुआ दोबारा लेने में, और सर महंगाई इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा महंगाई है कि आदमी खाने का भी पूरा नहीं भर सकता, पहनने का तो छोड़ दीजिए आज की डेट में। समस्याएं बहुत ज्यादा है, आपका कोई सवाल? मैं एक युवा हूं और मैं शिक्षा से संबंधी एक सवाल करूंगा कपूर साहब से। कपूर साहब का एक कॉलेज है, कॉलेज था या है हमें नहीं पता, उन्होंने हमारी स्कॉलरशिप खाई और आज SIT के चक्कर हम काट रहे हैं, वो अपने घर में बैठे हैं, क्या इसका जवाब देंगे? वो स्कॉलरशिप तक ये खा गए, 8 बार के विधायक है, स्कॉलरशिप तक आज जितनी महिलाएं बैठी है, मैं भी हूँ, मेरा खुद का उसमें नाम है और स्कॉलरशिप में SIT में मेरा नाम, और SIT वाले मैंने मुझे बुला के बयान किया, और जबकि मुझे स्कॉलरशिप मिली नहीं, मुझसे पेपर ले लिए गए और पेपर लेके एडमिशन लिया गया, और एडमिशन लेने के बाद वो स्कॉलरशिप मुझे SIT से फोन आता है कि तुमने स्कॉलरशिप ली थी, तुमने भरी नहीं वो। मैंने कहा मैंने तो ली नहीं। तो चलिए आपसे, आपका कोई सवाल? जी भैया, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कपूर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। युवाओं के लिए कोई स्कूल भी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल स्टोर भी नहीं है। कपूर साहब 35 साल विधायक रहे तो उन्हें ये क्वेश्चन करना चाहता कि हॉस्पिटल कोई सरकारी हॉस्पिटल बता दीजिए प्रेमनगर देहरादून सिटी में। चलिए कैंट विधानसभा में कोई हॉस्पिटल बता दीजिए। सर आप दोनों से बहुत ज्यादा सवाल है, बीजेपी कांग्रेस से। पहले तो आपसे है कि कपूर साहब ने कोई काम नहीं किया, अस्पताल नहीं है, शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की वो अपनी समस्या लेकर आए 2 साल से। कौन से क्षेत्र की समस्या? इधर आप इधर आ जाओ, इस तरफ आओ, आप अपनी समस्या लेके इनके सामने आओ, आप दिखाओ इन्हें यहीं पे। गांधीग्राम की है, ये इसी साल की बरसात की है, ये इसी साल बरसात की है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ है, इस साल। तो सर ये यहीं का ही है ना सर, आप ही के क्षेत्र का है? आप तो मना कर रहे थे। नहीं, आप देखिए तो सही, आप देखिए उसे क्या चीज है, बरसात होगी तो बरसात में अगर आपको रोड पे पानी भी नहीं भरेगा क्या? आप देखिए तो सही, आप नाला निकल, आप देखिए तो सही, आप उसमें आप एक चीज, अभी आपने क्षेत्र पूछा था, क्षेत्र बता, बिल्कुल बता रहा हूँ, ये तो स्वाभाविक सी बात है, बरसात हो रही है, बरसात के ऊपर बरसात में अगर आप रोड पे पानी भरा हुआ और उसकी वीडियो बना रहे, ये तो सब जगह संभव है। कह रहे हैं कि हमारे घर के अंदर पानी, बिल्कुल मैं कहता हूँ अगर आपका कोई परिस्थिति है कहीं, अगर पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर एक आध जगह कहीं ऐसा हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसका समाधान भी है,
उसका समाधान माननीय विधायक जी द्वारा तुरंत किया भी गया है। उनका समाधान कब तक होगा, अब ये बताओ। नहीं, बिल्कुल हो गया होगा अभी तक समाधान नहीं हुआ। नहीं, आप उनसे पूछे समाधान क्या है उनका, आप उनसे पूछिए। आपका सबके सामने मना, मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर आपको आपको नहीं हुआ तो जल्दी करेंगे, बिल्कुल 101% करेंगे, ना करने का तो सवाल ही नहीं है। और एक मेरा एक विषय और आया था, अभी भाई रविंदर जी ने कहा था कि हम शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण, एक हमारे देश के अंदर एक शिक्षा एक ऐसा विषय है जो सबको चाहिए और अच्छा चाहिए। मैं आपसे एक आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप हमारी विधानसभा के अंदर प्रत्येक वार्ड में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, आपकी टीम के द्वारा सर्वे कर लिया जाए, किसी भी स्कूल में बैठने के लिए फर्नीचर, पीने के लिए पानी, कक्षा कक्ष, हर प्रकार की सुविधा माननीय विधायक जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्ण कर दी गई है। और बात स्कॉलरशिप की कर रहे हैं, मैं आनंद जी आपको जवाब जरूर दूंगा, ये स्कॉलरशिप का मामला ना मेरे संज्ञान ना मेरे मध्य है, ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जिस दिन कोर्ट का निर्णय आएगा आपको भी स्पष्ट पता लग जाएगा कि क्या होगा। मामला कोर्ट में है, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, जैसे कि बातें हो रही है ना, स्कूल की बात हो रही है, वहीं पे मैं एक उदाहरण दूंगी कि कोलागढ़ में एक आंगनबाड़ी का एक स्कूल है जिसकी स्थिति इतनी खराब है। यदि आपको उस पर यकीन, मुझ पर यकीन नहीं हो रहा, तो आप जाके देख के आ सकते हैं कोलागढ़ में, वहाँ की छत इतनी टूटी हुई है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं आंगनवाड़ी के, और वहाँ की स्थिति इतनी खराब है, आप न्यूज चैनल में जाके भी देख सकते हैं। अनिरुद्ध काला जी ने ये मुद्दा उठाया था। और इसी तरह जो स्कूल्स है, आंगनवाड़ी है, मतलब इनमें भी सिर्फ बातें हो रही है और स्थिति इतनी बुरी है, उसके बारे में कुछ बताइए कि कोलागढ़। तो एक निवेदन है आपसे कि आप संयुक्त रूप से, आपने कोलागढ़ की ही बात करी, मैं तो सिर्फ कोलागढ़ को छोड़ के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं सब में एक सर्वेक्षण आपके माध्यम से हो जाए, आपको पता लग जाएगा किसी भी प्रकार की ना बैठने की कमी है ना कक्षा कक्ष की कमी। कोलागढ़ क्यों छोड़ा जाए? नहीं, कोलागढ़ बिल्कुल संपूर्ण रूप से, कोलागढ़ के अंदर तो GGIC लगभग 4 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है, लगभग 4 करोड़ की लागत से बनकर तैयार भी हो चुका है। जी सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि एक सत्तारूढ़ पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ बैठा है, आम जनता का एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, वो व्यक्ति अपना वीडियो दिखा रहा है और भाई कह रहे हैं ये तुम झूठ बोल रहे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। आपका जो डिनायल मोड है, आप जो मुकर जाते हो, जो आप मना कर रहे हो, इनके लिए महंगाई समस्या नहीं है। अभी भाई ने पूछा था बेरोजगारी पे सवाल, इनके लिए बेरोजगारी भी समस्या नहीं है। इन्होंने नौकरी कहा था कि भैया हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन पिछले 5 साल में मोदी जी आए थे, मोदी जी ने भी वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ के काम में आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कितनी पहाड़ की जवानी को आपने काम दिया? इन्हें जो है नौकरी देने की जब बारी आती है, अपने मेयर की बेटी दिखाई देती है, इन्होंने अपनी मेयर की बेटी को नौकरी दी, अपने विधानसभा अध्यक्ष के बेटे को नौकरी दी उपनल के माध्यम से। ये लोग छोड़ेंगे नहीं इन्हें। आपको आम परिवारों के बच्चों से ज्यादा जरूरतमंद मेयर की बेटी दिखाई दी, विधानसभा अध्यक्ष का बेटा दिखाई दिया, तो शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी वालों को। इसके बाद भी अगर कोई शर्म है तो वोट मांगने नहीं जाना चाहिए इन लोगों को। अब लोगों से कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। मेरे घर में एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम के बाद मैं नवीन बिश्टी के पास गई। सर, उन्हें लेटर नहीं लिखना आता तो उनको क्या करना आएगा ये बताइए सर। कौन सी पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के थे सर। पार्षद? हाँ जी, पार्षद थे वो। लेटर लिखना नहीं आता उन्हें तो क्या लिखेंगे आगे भविष्य भारत का? क्या समस्या थी आपको? सर, मोदी जी के हाथ में ही थी। सर, घरेलू समस्या थी मेरी, वो कांग्रेस पार्टी के अधीन थी। जब मेरा आया और लेटर लिखने की बारी आई, उन्होंने अपने किसी साथ वाले से लेटर लिखवाया। चलिए मैडम, आपका कोई सवाल? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू से कि मैं थोड़ा लेट पहुंची हूँ। मुद्दे क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात मैंने मान्यवर की सुनी, मैंने एक तो उसका उत्तर दिया भाई, जो स्कॉलरशिप घोटाला है, जब कुछ हुआ था, जहाँ कहीं चिंगारी होती है वहीं ऊपर धुआं दिखता है ना, तभी वो मामला कोर्ट में पहुंचा। अब बात अगर सड़कों की और उसकी है, अब हर पूरे देहरादून में सड़कें बन रही हैं, किस लिए? क्या हम बेवकूफ हैं? ये जितनी जनता लगती है क्या बीजेपी वालों को? सड़कें इसलिए बन रही है, 4 महीने रह गए, ठीक है? फिर कहते हैं जी वो मैडम एक है, वो जवाब देती है। हर डिबेट में बीजेपी का एक नया पपलू आता है, ठीक है, ठुलमुला सा, हर डिबेट में हर जगह पे। मैम, समस्या मैं बताती हूँ, समस्या सबसे पहले समस्या वो बताएंगे।
मैं तो समस्याओं का पिलंदा हूँ, बताओ उनसे आपकी कोई समस्या? बहुत सारे लोग समस्याएं लेकर आ रहे हैं सर, आप किसी सवाल का जवाब दे रहे थे? विकास पुरुष किसे सवाल? ये हमारे क्षेत्रीय पार्षद हैं यहाँ के, यहाँ पर काला जी ड्रेनेज की भी समस्या नहीं हुई, लगातार माननीय विधायक जी का प्रयास हुआ, पंडित त्वाड़ी में 6.5 करोड़ का ये ड्रेनेज का कार्य हुआ, लगातार यहाँ पर कार्य हुआ, अंबावती स्कूल आज आप क्षेत्र में देख लो, आप धरता वाला स्कूल सुनिए, अंबावती स्कूल आप क्षेत्र में देख लो, लगातार विकास का काम हुआ, प्रेम नगर में आप पार देख लो, विकास का कार्य हुआ, लेकिन ये लोग तो परेशान कर रहे हैं, ये लोग तो सरकार, ये लोग तो परेशान कर रहे हैं। सरकार ने तुम्हें इलाज के लिए दिया, पूरे कोरोना काल में कोई कोरोना काल में कोई आप पार्टी का, कोई कांग्रेस पार्टी का, कोई उत्तराखंड का कोई नहीं दिखाई दिया, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही घर घर गया। लेकिन नाराजगी भी बहुत ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी, आपका किसी से सवाल? सवाल सर, कॉलेज से भर भर के लड़के निकल रहे हैं, हर साल भर भर के लड़के निकल रहे हैं हर कॉलेज से, और कॉलेज से पास होकर लड़के ऐसे ही घूम रहे हैं, बल्कि लड़के एजुकेटेड हैं और सारी तरह से सफल है, और सब में सब पढ़े लिखे हैं, सबको ज्ञान है, किसी को कुछ ज्ञान है, किसी को कुछ ज्ञान है, हर कोई किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, तो सर इनको जॉब क्यों नहीं मिल रही है, और कब जॉब मिलेगी, और क्या संख्या ऐसी बढ़ती रहेगी? ये जो हर साल जो कॉलेज से लड़के निकल रहे हैं, क्या रोजगार कब तक मिलेगा? रोजगार मैं एक मिनट सर, सवाल ही पूछ रहा हूँ, मैं दलों से नहीं पूछ रहा, मैं जनता से पूछ रहा हूँ, क्या हमारी राजनीति क्या सही दिशा में जा रही है? ये पार्टी उससे हटके देखे ना, ये सब यहाँ पे मानते हो, कोई यूकेडी का है, कोई बीजेपी का है, कोई आम आदमी पार्टी का है, कोई सब हल्ला, सब अपनी अपनी पार्टी को हुटिंग करे, लेकिन एक बार अपने अंतरात्मा से देखे ना, क्या हमारी राजनीति सही दिशा में जा रही है? क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? मैंने देखो दो चीज, दो सवाल पूछे थे, 100 सुनार के 1 लोहार के, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, किसी पे इतनी हिम्मत है कि जो ये हमें आश्वासित कर दे कि हाँ मैं 1 रुपये, सारी कहानी वहां पे खत्म हो जाती, तो कसम खाने को तैयार है ना, लिखकर कांग्रेस कसम खा रही है, आम आदमी कसम खा रही है, बीजेपी भी कसम खा रही है। मैं ये नहीं बोल, कांग्रेस और बीजेपी तो ये बोलते हैं आम आदमी पार्टी है, बी टीम है, ए टीम है, ये दोनों ही ए बी टीम है, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी कांग्रेस ए टीम है, ये दोनों 10 साल कांग्रेस ने किया, 10 साल उसने बीजेपी ने राज किया, 10-10 साल कर देना, क्या मिला हमको? आज हम वही कगार पे खड़े जहां हम पहले थे, ये इस बारे में कोई नहीं सोचता, बदलाव चाहते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो सर, इस प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि हर साल इतने सारे कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं सर, ये बहुत बड़ी समस्या है, आपके लिए भी सभी के लिए है, आपकी सरकार है, रोजगार दिया नहीं, आज भी सड़कों पे भटक रहे हैं, पहले तो आप जवाब दीजिए। निश्चिंत ही बेरोजगारी एक अपने आप में एक महान मुद्दा है, कहीं ना कहीं अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा भी की गई है कि जल्द अभी हम तो आचार संहिता लग जाएगी, घोषणा को क्या करेंगे? नहीं, उससे पहले ही हम उसका काम पूरा करके, और निश्चिंत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उसका नौकरियां भी लगवाएंगे, और साथ साथ कितने दिनों में ऐसी आचार संहिता से पहले पूर्ण रूप से उसका काम, तो केवल 1 से 1.5 महीना बचा है, बिल्कुल 1 से 1.5 महीने के भीतर ही इस काम को पूर्ण करा जाएगा, और साथ ही एक रोजगार के साथ साथ स्वयं को अपने आप को रोजगार करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है, कि स्वयं आदमी रोजगार हर एक आदमी को नहीं मिल सकता, अपने एक रोजगार के अवसर खुद, अब वो आपकी इच्छा, आप पकौड़े चलो चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन एक आय सर्जित करने का कार्य कम करने का प्रयास करें। आप सर युवा है, आपने कहा मैं बहुत नाराज था इसलिए मुझे राजनीति में आने पड़ी, तो लगता है इन लड़कों को रोजगार मिल पाएगा कांग्रेस साथी? देखिए ऐसा है कि जो बेरोजगारी की समस्या है, अगर बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना है, ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ के मैं बात कर रहा हूँ, बेरोजगारी की समस्या को पहले समझना जरूरी है, ऐसे नहीं है हम लोग ऐसे बहुत आसान है बोलना कि बेरोजगारी की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। बेरोजगार कौन होता है? बेरोजगार अलग अलग तरीके का होता है, एक होता है अशिक्षित बेरोजगार, जिसने शायद 8वीं तक कोई पढ़ाई करी है या शायद उसने कोई छोटी मोटी एजुकेशन ली है, लेकिन उसको हम अशिक्षित बेरोजगार कहेंगे। एक होता है शिक्षित बेरोजगार, जिसने 12वीं करी है या कोई बेसिक ग्रेजुएशन का बीए की डिग्री ली है। एक होता है प्रशिक्षित बेरोजगार, जिसके पास में कोई टेक्निकल डिग्री है या उसके पास में कोई ऐसा स्किल है जो कि उसको एक विशेष तरह का नौकरी दे सकता है।
दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी सरकार इस समस्या को लेकर गंभीर ही नहीं है, उनके पास में कोई डेटा ही नहीं है। उत्तराखंड में आज के समय में 1.25 लाख पोस्टें ऐसी हैं जो खाली पड़ी हैं, जिसके लिए इन्हें नए पोस्टें बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये चाहें तो सिर्फ उन पोस्टों को भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नियत की जरूरत है। कांग्रेस ने ये कहा है कि हम जैसी सरकार बनेगी 1.25 लाख नौकरियां जो खाली हैं, जो सीटें, सबसे पहले हम उन्हें भरेंगे। आप तो सरकार का इंतजार कर रहे हैं, वो तो एक महीने में दे रहे हैं। यार देखिए, अब जुमले मारने के लिए मैं भी कह सकता हूं कि मैं पूरे उत्तराखंड को नौकरी दे दूंगा, तो हम जुमलेबाजी में विश्वास नहीं रखते। मैं आपको फैक्ट की बात कर रहा हूं, मैं आपको सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं, हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। आप देंगे सर रोजगार? देखिए, तो गारंटी दे रहे हैं रोजगार पे, हमने गारंटी कार्ड बनाए हैं, और अगर हमारी सरकार बनेगी, अगर हमारी सरकार बनती है, तो पहले 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी हम देने जा रहे हैं। साथ ही जो बेरोजगार लोग हैं, जब तक नौकरी नहीं लगी उन्हें 5,000 रूपए महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 1 लाख पोस्टें भी है सर, पहले ये बताइए। बिल्कुल, इस समय 56,900 कुछ पोस्ट खाली है, जो बीजेपी 4.5 साल से रोक के बैठी है, शायद अपने रिश्तेदारों को या लड़कों को देने के लिए, लेकिन किसी आम आदमी को नौकरी नहीं लगा पाई। 56,000 से ज्यादा, बाकी जो 46,000 पोस्ट हैं वो हम क्रिएट करेंगे, पर्यटन विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में और विभागों में हम क्रिएट करके नौकरी लगाएंगे। साथ ही अभी हमारे कुछ बीजेपी के साथी विकास पुरुष का नारा लगा रहे थे, तो हरबंस कपूर जी ने इस विधानसभा का बहुत बहुत विकास किया है, 16.5 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला कराया है, इससे बड़ा विकास इस विधानसभा। तो सर वो तो न्यायालय में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है मामला, वो कह रहे हैं उसको लेकर, वो कह रहे हैं कोई बड़ा विषय बताइए। आप कुछ कह रहे थे, आपका कोई सवाल? आम आदमी पार्टी बोल रही है मैं बिजली फ्री दूंगा 300 यूनिट, और जिसका 350 यूनिट आएगा तो क्या सिर्फ 50 यूनिट का बिल आएगा? 5,000 रूपए देंगे, कहाँ से देंगे? पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को लूटोगे फिर पब्लिक को ही वापस करोगे, इधर से जेब काटी। वैभव वाले जी बहुत भ्रष्टाचार की बात कर रहे, क्या उनकी उनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता हरीश रावत जी 2016 में उनकी पार्टी के खुले में उन्होंने कहा कि अपने अपने विभागों से इतना कमाना है कमा लो, ऐसे लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे जो कहेंगे अपने विभाग से इतना पैसा कमाना है कमा लो, मैं आगे बंद कर लूंगा, मैं आगे बंद कर लूंगा, और आज वो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा साबित करने में लगे, ऐसे भ्रष्टाचारी उत्तराखंड चलाएंगे। पूछ लेते हैं सर, पहले 300 यूनिट से 50 यूनिट एक्स्ट्रा आती तो 50 यूनिट लेंगे? देखिए पहले मैं, एक मिनट शांत रहे, जवाब शांत रहे ना। देखिए सबसे पहले मैं अपने भाई का धन्यवाद करूंगा कि आपने एक प्रश्न किया है, और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। देखिए हमने 300 यूनिट प्रति माह बिजली फ्री देने की बात कही है, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, साथ ही अगर 350 कोई यूज करता है तो सिर्फ 50 यूनिट का उससे बिल लिया जाएगा, केवल 50 यूनिट का बिल लिया जाएगा। आपसे सर हरीश रावत के लिए सवाल पूछा गया था, स्टिंग मामले जो मंत्री की है, जिन मंत्री की ये बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री देव को इन्होंने भाजपा में मंत्री बना रखा है, वो जिस स्टिंग में जो बंदा दूसरा था वो मंत्री है आपके यहाँ है, कांग्रेस से गए हुए लोगों को पहले तो बहुत गाली देते हो, आज आपने मंत्री बना रखा है, इनके यहाँ ही मंत्री है वो। हरक सिंह रावत जी किनके यहाँ मंत्री है? सुबोध उनियाल जी किनके यहाँ मंत्री है? रेखा आर्या किनके यहाँ मंत्री है? ओ यार मेरी बात सुनो, इनसे ये पूछ लो महंगाई पे इनका क्या जवाब है, 100 रुपए लीटर तेल पे इनका क्या जवाब है, 90 रुपए लीटर डीजल पे इनका क्या जवाब है, गैस का सिलेंडर जो 1,000 रुपए पा रहे उस पे क्या जवाब है, जो बेरोजगारी है उस पे क्या जवाब है, बातों को घुमाए ना, उस पे भी लेंगे सर आप कुछ। देखिए ऐसा है कि हमारा ये साफ कहना है कि आम जो कांग्रेस और बीजेपी है ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, आज भी जो बीजेपी है, बीजेपी में जो मुख्यमंत्री है वो बीजेपी का है और जो मंत्री है वो कांग्रेस के हैं, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी कांग्रेस मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आम आदमी पार्टी अगर आई तो जनता के लिए काम करेगी, काम की राजनीति करेगी। चलिए एक बार जरा महंगाई पे ले लेते हैं सर मेरा सवाल, महंगाई पे ले लेते हैं, चलिए अरे सर मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, मुझे कार्यक्रम तो करने दीजिए पहले, उसके बाद मैं लूंगा। पहला मेरा सवाल लीजिए, महंगाई को लेकर क्या कहना है आपका, महंगाई पे क्या कहना है? महंगाई मैं उनसे पहले महंगाई पे क्या कहना, महंगाई कहाँ भैया,
2014 में पेट्रोल 78 रुपए लीटर था और 2004 की सरकार बनी तो 38 रुपए लीटर था। ये 40 रुपए का डिफरेंस है, वो भी तो बताया ना। ये आज 6-7 साल बाद 90-94 लीटर पेट्रोल हुआ है। गैस घर घर पहुंच, क्यों नहीं हुआ? सुनो, ये तो बता दो आप। गैस घर घर पहुंच, सिलेंडर घर घर पहुंच रहा है। पूरे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों को राशन पहुंचाया, हर चीज उपचार उपलब्ध कराया। उसके बारे में ठीक है, महंगाई आपके लिए ठीक है। महंगाई से कितने परेशान है आप? सर, महंगाई से सभी पब्लिक परेशान है, और महंगाई ये कोई ऐसी कैसी महंगाई नहीं है। कोरोना काल में आदमियों को घरों में बंद कर दिए और बाहर प्रशासन को लगा दिया लट बजाने के लिए कि अगर घर से बाहर निकले लट मारो। और सर यही राशन की बात, तो राशन का तो फ्री का ऐसा मसला है, अगर पब्लिक के पास रोजगार होगा तो राशन की जरूरत, रोजगार होगा तो मुद्दा होगा। महंगाई को कैसे देखते हैं? महंगाई को हम क्या देखेंगे, महंगाई को पूरा देश देख रहा है। आप गृहणियों से पूछिए, महिलाओं से पूछिए, जवानों से पूछिए। 32 रुपए डीजल पर, 32 रुपए डीजल पर और 33 रुपए पेट्रोल पर एक्साइज ले रही है सरकार। इनसे पूछिए, इसका जवाब दे। 32 रुपए डीजल आपका क्या? समिति रानी आज कहा है जो 450 के सिलेंडर पे अपना सिलेंडर लेकर रोड पे बैठ जाती थी, आज 1000 रुपए रेट है, आज कहाँ बैठी है वो? ये तो बात सिर्फ आयुष्मान की करेंगे, क्योंकि चाहते हैं पूरे देश की जनता बीमार। महिलाओं से पूछ लेते हैं, महिलाओं से पूछ लेते हैं, महंगाई को लेकर क्या कहना? महंगाई का हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम देश के साथ हैं और देश के साथ रहेंगे, चाहे हमें कोई नहीं फर्क। महंगाई से कोई फर्क पड़ता है? महंगाई से सर, महंगाई से कोई नहीं है, पर इतना है जो हमसे लिया गया वही तो हमें दिया जा रहा है। आप आपके पैसे बढ़े गए, दरअसल वेतन बढ़ा आप लोगों का जो महंगाई बढ़ी? हाँ जी, बढ़ा है। जितना हमें हमारे पास है हम उसके अकॉर्डिंग मिल रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहेगा, हमें मिल रहा है सब चीज, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि क्या, चलिए कुल मिला के कहा जा सकता है कि भाजपा के जो लोग हैं उनको महंगाई से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आम जनमानस है उन्हें जरूर फर्क पड़ता है। आपका महंगाई पे कोई सवाल? जी हाँ जी, महंगाई 106 रुपए लीटर तक हम पेट्रोल डलवा रहे, 93 रुपए हम पेट्रोल डला रहे 2 साल पहले तक। अब ये कोरोना काल में मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं उनके एक कार्यकर्ता। मैं बताती हूँ, 1.5 साल पहले तक सरसों का तेल 90 रुपए लीटर था, ठीक, आज वो 180 रुपए लीटर है। मंडी जो सब्जी मंडी है निरंजनपुर मंडी, उसमें टमाटर 60 रुपए किलो था आज सवेरे, गली में 100 रुपए है। आम आदमी कहाँ से खाएगा बताइए? रिफाइंड तेल 2 साल पहले 56-57 था, ठीक है, आज वो 155 है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? और ये जो महिला कह रही है कि हमें महंगाई से फर्क नहीं पड़ता, इन्हें इसलिए फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस के शासन काल में भी इन लोगों ने तोड़ तोड़ के जेब भर रखी है ना, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरे जैसे डेली आम गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, मैं अपने को एक दिहाड़ी मजदूर मानती हूँ, क्योंकि रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। बिजनेस दिहाड़ी मजदूरी से भी बदतर है, बिजनेस चलाना बहुत, मेरा कैटरिंग बिजनेस है, ठीक है, मुझे मालूम है 60 रुपए किलो का टमाटर खरीद के या 50 रुपए किलो का मटर खरीद के मैं क्या कमा लूंगी और क्या मैं बचा लूंगी। मैडम बीजेपी से पूछ लेते हैं, सर महंगाई से कोई फर्क पड़ता है आपको? नहीं, निश्चित महंगाई एक अपने आप में ज्वलनशील मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास भी किया है। अभी 12 रुपए पेट्रोल पर, 12 रुपए पेट्रोल पर, डीजल पे कम करके ये जताया भी है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जनता के साथ है। और मेरा एक निवेदन है, ये आप कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी ने पैसों को पेट्रोल और डीजल के कम करके कहीं ना कहीं महंगाई से मरहम लगाने का भी काम किया है। और साथ साथ मेरा निवेदन एक है कि सभी लोग, आप इस समय आप देख रहे हैं दोनों तरफ से पक्ष भी हो रहा है, विपक्ष भी आप सुन रहे हैं, लेकिन धरातल पे जनता ने तय करना है अपना उम्मीदवार की किसको जिताना है। ये सर एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं धरातल पे जनता तय करेगी। अभी 4 राज्यों में उपचुनाव हुए थे और भाजपा ने धूल चाटी है उस चुनाव में, और जैसे ही चुनाव हारे हैं सारी जगह आपने सवाल, कोई सवाल क्षेत्र का सवाल, मेरा क्षेत्र निरंजनपुर लगता है, वहाँ की रोड पे अगर आपको मैं ले जाऊँ, आप पैरों में अपने पैरों में नहीं चल सकते, रोडों का वो स्थिति है, रोडों की आप ये कह रहे हैं आपने विकास में पहले क्लियर कर दूं, आज हम कैंट विधानसभा और निरंजनपुर क्षेत्र कैंट विधानसभा का क्षेत्र नहीं, लेकिन भाजपा के विधायक एक भी क्षेत्र अगर आप दिखा दें कि जो क्षतिग्रस्त है
अगर पूर्ण रूप से 95% सड़कों का काम पूर्ण हो चुका है और बचे 5% भी इसी 2 महीने में पूर्ण हो जाएगा। ये सामने वाली जो रोड है इनको लेके वहाँ पे जरूर चक्कर काट लेना, ठीक है, यही सामने चले जाना, यहाँ के पार्षद भी खड़े हैं, इनको भी ले जाना और दिखा देना। चलिए चलिए सर, चलिए आखिरी पॉइंट ले लेते हैं सभी राजनीतिक दल से। मैम, आपको मौका मिलता है सरकार बनाने का या सीट जीतने का, तो किस तरीके से विकास कार्य करेंगे? देखिए, विकास सड़कों से लेके, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, जिस हर चीज में अभी जो है स्कोप है, हर चीज में जो है आवश्यकता है विकास की। मुझे समझ नहीं आता बीजेपी जिस विकास का नाम लेती है वो कौन सा विकास है और वो कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सड़कों में भी विकास की जरूरत है, यहाँ पे जो सीवरेज की प्रॉब्लम है उसमें विकास की जरूरत है, युवाओं को रोजगार में जरूरत है, स्वास्थ्य की जो हालत है कोरोना काल में हम देख चुके हैं कितनी बुरी स्थिति है स्वास्थ्य की, उसमें विकास की आपकी सरकार आके आप सुधार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और एक सवाल और मैं करना चाहती हूँ मातृशक्ति से, जो ये कह रही है कि उसे महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। जो बीजेपी की महिलाएं कार्यकर्ता हैं, उन्हें बेशक महंगाई से फर्क नहीं पड़ता होगा, गैस सिलेंडर के बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन आप उससे पूछिए जो लकड़ी पे चूल्हा जला के अपना दिनचर्या चला रही है, क्या उसे गैस सिलेंडर महंगा पड़ने से जरूरत पड़ रही है? क्या इन मातृशक्तियों को फर्क पड़ता है कि जब कोई भी ये भाजपा में ऐसे नेता होते हैं जिनपे महिला उत्पीड़न का एलिगेशन लगता है लेकिन उनपे कोई कार्यवाही नहीं होती है, क्या सब महिला मातृशक्ति को फर्क पड़ता है? क्या आपको मौका मिला मातृशक्ति को तब फर्क पड़ता है जब वो सड़कों के आंदोलन के लिए बैठी थी और उसपे लाठीचार्ज हुआ था? क्या इन महिलाओं पे तब फर्क पड़ता है? क्या इन महिलाओं पे तब फर्क पड़ता है जब कोई भी बीजेपी का नेता अपने किसी भी मतलब उत्तराखंड की मातृशक्ति को गाली देके चला जाता है और कहीं पे भी बिठाने की बात करता है, तब क्या इन मातृशक्तियों को फर्क पड़ता है? मैं सभी मातृशक्तियों से ये आग्रह करना चाहूंगी कि यदि आप किसी भी दल में हैं लेकिन आप उस दल के गुलाम नहीं है, यदि महिलाओं के साथ कहीं पे गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाइए, उनकी आवाज बनिए। चलिए सर, आपको फिर से मौका मिलता है, कपूर साहब को फिर से टिकट दिया जाता है और आपकी सरकार बनती है यहाँ पर और विधायक बन के आते हैं, तो किन कामों को पूरा करेंगे? निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी पुनः आप रिपीट करेगी भारतीय जनता पार्टी का कि सरकार भी इस प्रदेश में आएगी और कैंट विधानसभा से श्री हरबंश कपूर जी विधायक के रूप में भी चुने जाएंगे और निश्चित जो विकास की गति है उसे और आगे बढ़ाया जाएगा और निश्चित ही कोई भी ऐसा क्षेत्र में ऐसा काम जिसकी मूलभूत सुविधा का हो पूर्ण रूप से उसको पूर्ण करने का काम भारतीय जनता किया जाएगा। आपको मौका मिलता है, आपकी सरकार बनती है और यहाँ से विधायक कांग्रेस का इस बार बनता है तो कितना विकास कार्य करेंगे? देखिए, मैं सारे लोगों से कह रहा हूँ, आपने 8 बार हरबंश कपूर जी को इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, एक बार आप इस देहरादून के इस आम युवा को मौका देके देखिए। हम वादा कर रहे हैं जितना विकास का कार्य कपूर साहब ने 8 बार में किया है, आप एक मौका हमें दीजिए, हम उनसे बेहतर काम करके देंगे। हमारा सपना है कि हम अपने देहरादून के लिए कुछ करें, उसी सपने के साथ हम यहाँ आए, हम बहुत काम करके देंगे, ये मैं लोगों से कह रहा हूँ। सर, आप पर भरोसा कर लिया जनता ने तो कैसे उनको फायदा पहुँचाएंगे कैंट में? देखिए, ऐसा है कि कैंट की जनता ने जो है बीजेपी को देख लिया है और कांग्रेस को भी देख लिया है और अब जनता मन बना चुकी है नए विकल्प की ओर। आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प बन के सामने आया है। अगर मुझे यहाँ से मौका मिलता है तो मैं जनता के लिए समर्पित रहूंगा और जो भी समस्याएं ज्वलंत समस्याएं कैंट की हैं उन पर काम करूंगा, क्योंकि अभी जो यहाँ के विधायक हैं बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे युवा आदमी की जरूरत है। तो ये थे हमारे साथ कैंट विधानसभा सीट के सभी राजनीतिक दल जिन्होंने बताया कि वो क्षेत्र में विकास करेंगे और इस क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे, लेकिन देखना होगा कि क्या 2022 में कैंट विधानसभा सीट पर कुछ बदलाव होता है या फिर एक बार हरबंश कपूर को मौका जनता देती है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।